तो इस वीडियो में दोस्तों आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या बीएससी मैथमेटिक्स का कोर्स पूरा करने के बाद क्या एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं। तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सेस के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी। आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपसे मैं एमएससी इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूं तो एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस और एमएससी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है वो एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री का कोर्स होता है। तो यह कोर्स 2 वर्ष का कोर्स होता है जिसमें कुल 4 सेमेस्टर होते हैं। और अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स का अगर आपने कोर्स किया है यानी अगर आपने बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स का अगर आपने कोर्स किया है और उसके बाद अगर आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स का अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो क्या आप एलिजिबल होते हो के नहीं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी हाँ दोस्तों, आप एलिजिबल होते हो यानी अगर आपने बीएससी इन मैथमेटिक्स का अगर आपने कोर्स किया है आप एमएससी इन इकोनॉमिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आज के टाइम में काफी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो अलो करती हैं कि अगर आपने बीएससी मैथमेटिक्स का अगर आपने कोर्स किया है आप एमएससी इकोनॉमिक्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे एमएससी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है कोर्स काफी ज्यादा अच्छा है जो कि आज के टाइम में काफी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस कोर्स को करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे एमएससी इकोनॉमिक्स कोर्स के बारे में आपसे मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो दोस्तों आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफ़ी सारे कोर्सेज के बारे में वीडियोस मिल जाएंगी, आप उन्हें भी एक बार जाकर जरूर देख सकते हो। तो अंत में दोस्तों अभी आपको यह वीडियो कैसी लगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।